Okay, let us start the next topic, derivatives. बहुत ही interesting topic है और एक बार खेल समझ में आ गया तो पैसे भी कमा सकते हैं. Is it right? तो पहले मैं derivative क्या होता है उसका एक example देता हूं, एक अलग तरह से. एक मेरे मित्र है शाहरुख खान, ठीक है. शाहरुख खान थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि ये मेरे मित्र हैं. तो शाहरुख खान ने एक बार कहा कि मैं आपकी क्लास में आके परफॉर्म करना चाहता हूं. तो मैंने कहा वेलकम, हमारी इतनी बड़ी क्लास है, 1000-2000 स्टूडेंट तो आराम से मिल जाएंगे, जो होगा अपन आधा आधा शेयर कर लेंगे बाद में. तो टिकट की प्राइस हमने रखी 1000 रुपए. लेकिन क्या हुआ, 15 दिन पहले ही सारे टिकट बिक गए. इतनी पॉपुलैरिटी है इसकी, शाहरुख खान की, सारे टिकट बिक गए. अब ये व्यक्ति आया मेरे पास, एक स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? सुशील. नाम से भी और गुण से भी, दोनों से ही हूं. तो सुशील आया मेरे पास, बोला कि सर मैं आपका बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, रोज अटेंड करता हूं, होमवर्क भी करता हूं, क्लास वर्क भी करता हूं, मोबाइल भी यूज नहीं करता मैं क्लास में, प्लीज मुझे भी एक टिकट दिलवा दो. मैंने कहा टिकट काउंटर पे जाओ ले लो, मैं कौन होता हूं बीच में. बोला नहीं सर, सब टिकट बिक चुकी है, ऐसा काउंटर वाले कह रहे हैं. तो मैंने बोला तो मैं क्या करूं. बोला सर आप अगर कुछ लिख कर दे दें, कुछ सिफारिश कर दें तो शायद मुझे टिकट मिल जाए. तो मैंने कहा ठीक है सुशील, ये मैं एक लेटर लिख कर देता हूं, तुम ऑफिस में जाओ काउंटर पे और ये लेटर दिखाना, वो तुम्हें टिकट दे देंगे, ठीक है. सो मैंने लिख के दिया प्लीज इशू 1 ticket to the holder of this letter. ₹4,1000 on or before 15th November. ठीक है, और साइन कर दिया. ये मेरी चेक वाली सिग्नेचर नहीं है, कॉपी करना मत, कोई फायदा नहीं होगा. तो सुशील के हाथ में आ गया ये लेटर. क्या लेटर लेकर वो शो देख सकता है? उसके लिए उसको टिकट चाहिए. लेकिन लेटर का पावर देखो, लेटर विल अलाउ हिम टू बाय 1 ticket फॉर ₹1000. यानी इसके पास एक पावर आ गया लेटर के द्वारा कि मैं 1 ticket ₹1000 में परचेज कर सकते हैं. सुशील भी ठहरा सीए का स्टूडेंट, ठीक है, दिमाग तो लगाएगा ही. इसने काउंटर पे जाके टिकट नहीं लिया, इसने सोचा मैं इसको ब्लैक मार्केट में बेच देता हूं. हाँ तुम भी वही सोच रहे होगे. तो कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ना परफॉर्मेंस का डेट 15 नवंबर, तो मार्केट में, ब्लैक मार्केट में टिकट की वैल्यू बढ़ रही है. 11 नवंबर, अभी सिर्फ 4 दिन दूर है, ₹1100 हो गया मार्केट में. यानी ब्लैक मार्केट में जिसके पास पहले से टिकट है वो 1100 में बेच रहा है अभी. तो एक बात बताओ, क्या इस लेटर की भी कोई वैल्यू होगी? द लेटर गिव्स यू द राइट टू परचेज 1 ticket एट ₹1000. विल द लेटर ऑल्सो अक्वायर सम वैल्यू? कितना? ₹100. ₹1000 तो आपको काउंटर में देना ही पड़ेगा ना. तो लेटर ₹100 में भी आप बेच सकते हो, और आदमी ₹1000 काउंटर में देगा तो ₹1100 उसका टोटल कॉस्ट पड़ा, जो मार्केट वैल्यू के बराबर हो गया.
फिर एक दिन और बीता, सुशील ने अभी भी लेटर को टिकट में कन्वर्ट नहीं किया है, नाम से सुशील है, दिमाग बहुत है, सोचा कि मार्केट में बेचकर कमाया जाए कुछ, बहुत दिन हो गया अच्छा खाना खाए ना, 1200 रुपए हो गए इसकी मार्केट में रेट, तो लेटर की वैल्यू कितनी हो गई 200। फिर 13 नवंबर और ब्लैक मार्केट में रेट बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा होता है ना जब कोई पॉपुलर प्रोग्राम होता है और सारे टिकट बिक जाते हैं, तो 1300 हो गया, लेटर की वैल्यू 300, 14 नवंबर को 1400, 400। जैसे जैसे लेटर की टिकट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, इसके लेटर की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, लेकिन इसने अभी तक उसको टिकट में कन्वर्ट नहीं किया, सोच रहा है कि कल सुबह सुबह देखना 2000 रेट हो जाएगा टिकट का, तब मैं 1000 रुपए बेचकर मस्त ऐश करेंगे। तो 15 नवंबर को अब टिकट की वैल्यू कितनी हो गई, 1500 नहीं हुई, 2000 भी नहीं हुई। शाहरुख खान ने मुझे फोन किया, बोला सर मैं नहीं आ सकता प्लीज। मैंने बोला सर क्यों, मैंने इतना सारा अरेंजमेंट किया है, स्टेज रेडी है, माइक रेडी है, बस आप आओ 10-20 मिनट डांस कर देना कुछ भी, ठीक है 2-4 डायलॉग कर देना और अपने पूरे पैसे वसूल हो गए, हाउसफुल है। बोला नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे दुबई जाना है, दुबई के शेख ने अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाया, ठीक है, और उन्होंने दाऊद से चिट्ठी भिजवाई थी कि तुम्हें परफॉर्मेंस करने के लिए आना ही होगा, अगर मैं नहीं गया तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं आ सकता, सॉरी आप प्रोग्राम कैंसिल कर दो, पैसे वापस कर दो। अब हो गई टिकट की वैल्यू, क्या करेंगे इस टिकट का, अब शाहरुख खान तो आने वाले हैं नहीं, तो लेटर की वैल्यू भी जीरो हो गई, अब आपका लेटर किसी काम का नहीं है, 14 कोई बेच देते तो ठीक रहता। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से सिंपल है कि इस एग्जाम्पल में डेरिवेटिव क्या है, टिकट या लेटर? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू, डेरिवेटिव डिराइव्स वैल्यू, डेरिवेटिव वर्ड कैसे आया, डिराइव वैल्यू, तो दोनों वर्ड को ज्वाइन करके डेरिवेटिव वर्ड जिसने भी बनाया बना दिया, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अदर अंडरलाइंग, अंडरलाइंग कैन बी एनीथिंग, इस एग्जाम्पल में अंडरलाइंग टिकट है, शेयर मार्केट में अंडरलाइंग शेयर्स हो सकता है, कमोडिटी मार्केट में गोल्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है डेरिवेटिव और ये है अंडरलाइंग। अब इसी एग्जाम्पल को आप चेंज भी कर सकते हो, मान लो ये शेयर है और ये फ्यूचर है, फ्यूचर इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव, जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे बिल्कुल यही आंसर होगा आपका भी, फ्यूचर की भी वैल्यू निकालनी होगी, तो जैसे जैसे शेयर की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे फ्यूचर की वैल्यू भी चेंज होगी। डेरिवेटिव डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अदर एसेट और अदर आइटम विच इज कॉल्ड अंडरलाइंग, अंडरलाइंग, अंडरलाइन मत लिख देना, पिछली बैच में मैंने अंडरलाइन बोला तो एक बच्चे ने अंडरलाइन कर दिया ऐसे करके, तुम लोग भी काफी फनी हो हाँ। तो आपकी बुक पर आ जाना, तो आपको एक एग्जाम्पल देने का मेरा पर्पस ये था, भले एग्जाम्पल थोड़ा फनी था लेकिन पूरा डेरिवेटिव का लॉजिक इस पे ही बेस्ड है, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अदर इंस्ट्रूमेंट, दैट अदर इंस्ट्रूमेंट कैन बी इन दिस एग्जाम्पल टिकट, इट कैन बी शेयर, इट कैन बी कमोडिटी, इट कैन बी फॉरेन एक्सचेंज, इट कैन बी इंटरेस्ट रेट और एनीथिंग, ठीक है। तो देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन डेरिवेटिव, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट सेज डेरिवेटिव इज अ गुड फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड देर इज अ
स्टेटमेंट गिवन बाय एलन ग्रीनस्पैन. ये एलन ग्रीनस्पैन कौन है? नाम सुना है? फॉर्मर फेडरल रिजर्व चेयरमैन. फेडरल रिजर्व इज लाइक आरबीआई ऑफ यूएसए. हम लोग इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं. एग्जैक्टली सेम इंस्टीट्यूशन जो यूएस में है, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, वहां पे उसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं. जैसे हमारे आरबीआई में गवर्नर होते हैं, वैसे वहां पे फेडरल रिजर्व में चेयरमैन होते हैं. जो यूएस में जो प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद अगर नेक्स्ट कोई हाईएस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो वो होता है फेडरल रिजर्व चेयरमैन का, बिकॉज इनके हाथ में बहुत पावर होते हैं. ठीक है, तो इनका मानना है कि डेरिवेटिव अच्छे प्रोडक्ट है. तो इनके ही शब्दों में, बाय फार द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन फाइनेंस ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड हैज बीन द एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज. दिस इंस्ट्रूमेंट इनहांस द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट रिस्क एंड एलोकेट इट टू दोज इन्वेस्टर्स मोस्ट एबल एंड विलिंग टू टेक इट. अ प्रोसेस दैट हैज अनडाउटेडली इम्प्रूव्ड नेशनल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव के बहुत ही फेवर में है. डेरिवेटिव को अगर सही तरह से यूज किया जाए तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर योर बिजनेस. इससे रिस्क आप रिड्यूस कर सकते हैं, ग्रोथ आपकी बिजनेस में बढ़ सकता है. एज एन इकोनॉमी ऑल्सो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकती है. लेकिन देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट लेड बाय वॉरेन बफे. बोलते समय टी को साइलेंट रखना है, ठीक है? वॉरेन बफे, लिखते समय टी भी लिखना है. इसने सीधा सीधा कहा है कि डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन. मतलब इनका जो ओपिनियन है, और ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये दुनिया के रिचेस्ट पर्संस में से पहले 3-4 में से है. हाँ, आगे पीछे होता रहता है, कभी मैं आगे कभी ये आगे, चलता रहता है. मैं मतलब और भी लोग भी हैं. तो पहले 5 में तो ये पक्का है, इतना मुझे पता है. कभी वो विलियम गेट्स हो जाते हैं, कभी अमेजन के जो ओनर हैं जेफ बेजोस हो जाते हैं. तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के हिसाब से कम बेसी होता रहता है. बट फिर भी 80-90 बिलियन डॉलर की वेल्थ होना अकेले आदमी का कोई आसान काम नहीं. और ये करते क्या है? इन्वेस्टमेंट. कोई बिजनेस इनका खुद का बिजनेस नहीं है. सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्किल के थ्रू उन्होंने इतना वेल्थ अर्न किया है अपने लिए और अपने शेयरहोल्डर्स के लिए. और ये जो कंपनी रन करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका नाम है बर्कशायर हाथवे. बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी है और ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है. तो इनका कहना, डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन. शायद आप लोगों को याद हो, नहीं हो पता नहीं, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये स्टार्ट यूएसए से हुआ था, राइट? और उस समय यूएस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई थी. जैसे यूएस में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी हुआ करती थी, लेमन ब्रदर्स. ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी की दुनिया के बॉस थे, लीडर थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी. तो थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, ये कंपनी बंद हो गई है. और भी ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी थी, और इंश्योरेंस कंपनीज थी, बैंक्स थे. तो इस ग्लोबल क्राइसिस में से कुछ बड़े बड़े बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी लिक्विडेट हो गए. क्यों? बहुत सारे कारण थे. उसमें एक कारण था एक्सेसिव यूज ऑफ डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव से पैसा बहुत जल्दी बना सकते हो, कम समय में ज्यादा कमाना हो तो डेरिवेटिव आप यूज कर सकते हैं, इज इट राइट? लेकिन ये कंपनी बंद हो गई. उसके बाद और भी एक दो बड़ी बैंक्स बंद हुई. उसके बाद
जो अभी एक बैंक है सिटी बैंक, उनके ऊपर ही बहुत प्रेशर आया था. इज इट राइट? एक बहुत बड़ी अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी है, क्या नाम उसका, AIG नाम सुना होगा ना. इंडिया में भी उनकी जॉइंट वेंचर है टाटा के साथ, वो US की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है. अब उनको भी बहुत नुकसान हुआ डेरिवेटिव की वजह से. पहले तो US गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, क्योंकि US इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेट द मार्केट डिसाइड, मार्केट विल टेक इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग विद द थिंग्स. इज इट राइट? लेकिन एक के बाद एक अगर बैंक गिर रहे हैं तो फिर US गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा, US गवर्नमेंट को पैसे देने पड़े कुछ कंपनीज को, ताकि उनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे और वो सरवाइव कर जाए. अल्टीमेटली बिजनेस बंद कब होता है? जब पैसे खत्म हो जाते हैं. लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी तो ही बिजनेस बंद होगा ना, ऐसे क्यों बंद करेगा कोई. तो US गवर्नमेंट ने कुछ $750 बिलियन बहुत होते हैं ठीक है, उतना पैसा लगाया, तब जाके फिर वो धीरे 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 रिकवरी चालू हुई और अब हम वापस थोड़ा नॉर्मल ट्रैक पे आ गए हैं. एक बार लेमन ब्रदर IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू के लिए आई थी. ये हर साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कुछ कैंडिडेट हायर करते हैं. IIM अहमदाबाद तो नाम सुना होगा ना, क्या है, इंडिया की बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है. एडमिशन लेने के लिए कैट में आपको 99.99% लाना पड़ता है, ऐसे में 50 नहीं आता, उधर 99.99%. 8-10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से सिर्फ 150-200 लोग को IIM अहमदाबाद के लिए सिलेक्शन होता है ठीक है, क्योंकि वो माना जाता है कि इनका दिमाग बहुत तेज है, बहुत शार्प है और बहुत ही फास्ट काम करता है, क्योंकि वो जो एग्जाम है कैट इज बेस्ड ऑन हाउ फास्ट यू कैन थिंक एंड रिएक्ट एंड सॉल्व द डे टू डे प्रॉब्लम्स. एनीवे, तो एक बार ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी लेमन ब्रदर्स IIM अहमदाबाद आई, और उस समय अपने पीक पे थी ये कंपनी. एक कैंडिडेट को हायर किया तो कैंडिडेट ने पूछ लिया इससे, इंटरव्यूअर से, सर मेरी सैलरी कितनी होगी, व्हाट विल बी माय सैलरी, बिकॉज कैंडिडेट को भी तो जानना है ना कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, ताकि वो, और भी उस समय बहुत सारी कंपनी आती है वो फिर बार्गेन करते है बच्चा. तो उसने बोला ये लो पेपर, ये लो पेन, लिख लो और मुझे मत दिखाओ कितना लिखा. तो कैंडिडेट ने कुछ लिख दिया, उसमें बोला अपोजिट साइड में क्या करो, जो भी तुमने एक साइड में अमाउंट लिखा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, वो होगी तुम्हारी सैलरी ठीक है. अब वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी बंद हो गई, क्योंकि ये जो MBAs होते हैं इनके रिक्रूट्स, उनको टारगेट्स देते हैं कि आपको इतना पैसा कमाना है फर्म के लिए. अगर हम आपको $1 मिलियन सैलरी दे रहे हैं तो आप कितना कमा के दोगे फर्म को, एटलीस्ट 5 times, नहीं 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा तो 1 million 1 lakh rupees भी हो सकता है, 5 times आपको अर्न करके देना पड़ेगा तो आपको इतना सैलरी मिलता है. उसके लिए फिर दिन रात मेहनत करनी होती है, और उसके अलावा आपको बड़े बड़े बेट्स लेने होते हैं. डेरिवेटिव के थ्रू आप बड़े बड़े बेट्स ले सकते हो. आप चाहो तो कल सुबह पूरा रिलायंस के 10,000 शेयर बेच दो, खरीद लो डेरिवेटिव मार्केट में. पैसा लगाना नहीं होता उतना जितना आप कैश मार्केट में लगाते हो, उतना पैसा नहीं लगाना होता, थोड़ा सा लगाना होता है. तो बड़े बड़े बेट्स ले सकते हो आप ठीक है, कम पैसे में बड़े बेट्स, उसको बोलते हैं लिवरेजिंग राइट, टेक्निकल भाषा में. तो वो बड़े बड़े बेट्स लेते थे वो. पहले तो फायदा हुआ, जब फायदा होता ना तो बड़ा मजा आता है, तो आदमी फिर और बड़ा बेट लेता है फिर. लेकिन कहीं ना कहीं एक बार गलती हो गई तो फिर नुकसान भी भारी होता है, फिर नुकसान एक बार हुआ तो फिर नुकसान भी बड़ा स्टार्ट हो जाता है राइट. तो इस तरह से डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन. पूरी US की इकोनॉमी हिल गई थी उस समय. हमारे कुछ स्टूडेंट भी थे
इस कंपनी में लेमन ब्रदर्स, उनको जॉब लगा था, सीए बने थे, तो बेचारे की नौकरी भी चले गई, इंडिया का ऑपरेशन ही बंद हो गया उनका, राइट। तो इतना प्रॉब्लम हो सकता। उस समय लोगों ने वॉरेन बफे को याद किया कि हाँ इन्होंने सही कहा था। तो अब ये मैंने दोनों साइड आपको बता दिया। एलन ग्रीनस्पैन का कहना है कि डेरिवेटिव बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, वॉरेन बफे का कहना इट्स अ वेपन ऑफ मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन। तो एक तीसरा व्यू भी है, बैलेंस्ड व्यू। डेरिवेटिव इज लाइक फायर, डेरिवेटिव इज लाइक फायर, आग। अब ये मेरे को बताओ कि क्या फायर इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट और अ राइट प्रोडक्ट? डिपेंड्स ऑन यूज। सुबह अगर खाना बनाना हो तो क्या करेंगे? बगैर फायर के बन सकता है? आजकल बन जाता है हीटर में, ठीक है, बट इन जनरल यू नीड फायर फॉर कुकिंग और फॉर हीटिंग योर हाउस, ओके, कीपिंग योर हाउस वार्म। लेकिन अगर फायर को आपने गलत इस्तेमाल किया, एक लकड़ी के आगे में आग लगा और किसी के घर घर में जाके जलाओ, ऐसे गाड़ी जलाओ जैसे दंगाई लोग करते हैं ना, वही फायर है। एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ घर जल रहा है, तो गलती किसकी है? फायर की गलती है कि यूज करने वाले की गलती है? तो फायर को क्यों बदनाम कर रहे हो? डेरिवेटिव को बदनाम मत करो, उसको यूज कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। या दूसरा एग्जांपल, एक नाइफ, सबके घर में नाइफ है, बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है, किसी की जान भी ले सकते हैं इससे, आप गला भी काट सकते हैं, लेकिन आप ही बताइए और क्या क्या हो सकता है नाइफ से? मैंने तो दो एग्जांपल बता दिए, सब्जी भी काट सकते हैं, नाइफ नहीं रहेगी तो थोड़ा सब्जी काटना मुश्किल हो जाएगा। तो नाइफ की गलती है या गला काटने वाले की गलती है? तो क्या हम नाइफ को बैन कर दें? बैन नाइफ, ओके, बैन नाइफ, मोदी जी बैन नाइफ, इससे लोगों का गला कटता है, हाथ कट जाता है, ये कोई बात हुई? तो डेरिवेटिव इज अ इंस्ट्रूमेंट, इफ यूज्ड प्रॉपरली कैन बी वेरी यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ मिसयूज्ड कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द कंपनीज, इज इट राइट? लेमन ब्रदर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, उसके ऊपर एक बुक भी निकली है, टू बिग टू फेल, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट, बुक का नाम लिखना, लेमन ब्रदर की पूरी कहानी है। मतलब उनके अंदर ऑफिस में, बोर्ड रूम में क्या डिस्कशन हो रहा है, एक किसी ने इनसाइडर स्टोरी पूरी लिखी है, टू बिग टू फेल, और इस बुक को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। कुछ कुछ एंटिटीज इतनी बड़ी हो जाती, इतनी बड़ी कि ऐसा लगता है कि वो फेल नहीं हो सकती, उसमें से एक लेमन ब्रदर्स है। इंडिया में अगर आपको कोई बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फेल हो जाएगी आज, अगर कोई ऐसा बोले तो आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो, टू बिग टू फेल, इट इज टू बिग टू फेल, इट कांट फेल, बट इट फेल्ड, इज इट राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग में गलती हो जाती है। तो ये पूरी इनसाइडर स्टोरी है इस बुक में, बहुत अच्छी बुक है, इसका ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पिछले बैच में मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिया तो लेकर चला गया, आज तक लौटा ही नहीं वो बुक, आगे से नहीं दूंगा, फिर भी आप परचेस करके पढ़ना, आपके काम के आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में और टेक्निकली ज्यादा, उन्होंने बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं किए, तो आराम से उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन सब उसमें लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया ताकि कोई भी उसको पढ़ सके। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यहां से हमारा टॉपिक चालू होता है। डेरिवेटिव इज अ मैथमेटिकल टर्म, मैथ्स में भी एक चैप्टर होता है डेरिवेटिव, याद होगा तो कुछ dx by dy ऐसा लिखते थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है,
तो वो भी डेरिवेटिव है, वहां पर भी आप एक नंबर से एक दूसरे नंबर डिराइव करते हैं। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है टू डिराइव वैल्यू, डेरिवेटिव टू डिराइव वैल्यू फ्रॉम अदर्स, ओके। एंड इट इज अ फाइनेंशियल वेरिएबल, हमारे चैप्टर में इसको हम फाइनेंशियल वेरिएबल बोलेंगे, विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर वेरिएबल, इसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल से डिराइव होती है, अपने आप इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, डेरिवेटिव की खुद की वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू ऑलवेज किसी और वेरिएबल की वैल्यू से निकाली जाएगी। जैसे भी हमने एग्जांपल देखा लेटर, लेटर की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेटर की वैल्यू टिकट से लिंक्ड है, जैसे जैसे टिकट की वैल्यू चेंज होगी आपके लेटर की वैल्यू भी चेंज होगी। उसी तरह फ्यूचर होता है, फॉरवर्ड होता है, ऑप्शन होता है, स्वैप होता है, ठीक है। इन अ फाइनेंशियल टर्म्स अ डेरिवेटिव डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यह लिखा ही है, इट कैन बी एन इक्विटी, जैसे शेयर मार्केट में तो बहुत चलता है ये, और इंडिया में शेयर मार्केट से भी ज्यादा डेरिवेटिव कहाँ पॉपुलर है पता है आपको, कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में डेरिवेटिव बहुत चलता है। लोग सोचते हैं कौन 1 किलो गोल्ड खरीदे, 1 किलो गोल्ड खरीदने के लिए 40 लाख रुपए लग जाएंगे, लेकिन आपको लगता है गोल्ड का भाव बढ़ेगा, गोल्ड का भाव बढ़ने वाला है, क्या करो, गोल्ड पे डेरिवेटिव ले लो। तो डेरिवेटिव के लिए आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो 4 लाख 3 लाख के आसपास होगा, लेकिन फायदा उतना ही होगा जो आपको 1 किलो गोल्ड खरीद कर होता, तो बोलो ना क्या अच्छा है, डेरिवेटिव भी अच्छा, 3-4 लाख में भी अगर मुझे उतना ही फायदा हो रहा है जो 40 लाख लगा के होगा तो हम डेरिवेटिव ही लेंगे। इसलिए इंडिया में डेरिवेटिव बहुत पॉपुलर है कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, इन जनरल पब्लिक को शेयर मार्केट समझ में नहीं आता है, इज इट राइट। और इंडिया में भी करेंसी मार्केट भी खुल गया डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, तो आप पाउंड, यूरो, डॉलर, येन, ऐसे 4-5 करेंसी है, मेरे ख्याल से 4 है, बट आप चेक करना, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है अपना मार्केट, उस पर भी आप बेटिंग कर सकते हो। आपको लगता है डॉलर का भाव बढ़ने वाला है तो डॉलर पे डेरिवेटिव ले लो, आपको लगता है पाउंड का भाव बढ़ने वाला है तो पाउंड का भी डेरिवेटिव ले लो। और एक और चीज मैं लिखना चाहूंगा, आप भी लिखना, इंडिया में स्टॉक इंडेक्स पे भी डेरिवेटिव होता है, सेंसेक्स और निफ्टी, स्टॉक इंडेक्स है ना, निफ्टी काफी पॉपुलर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उस पे भी डेरिवेटिव मिलता है। तो आपको लगता है कि निफ्टी बढ़ने वाला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है निफ्टी बढ़ने वाला है, अभी 12,000 है, 3 महीने में 12,500 होने वाला है, इसका भी आप फायदा उठा सकते हो, आप डेरिवेटिव ले सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो डेरिवेटिव एक तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि बेटिंग करने का एक हथियार है, लेकिन सिर्फ बेटिंग करने के लिए यूज नहीं होता, डेरिवेटिव कैन बी यूज फॉर हेजिंग ऑल्सो, ओके। इसलिए मैं जनरली इसको बेटिंग नहीं कहता हूं, डेरिवेटिव इज अ सोफेस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसको यूज कर सकते हो आप स्पेकुलेशन के लिए, लेकिन स्पेकुलेशन इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के भी यूज है, हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम। हेजिंग क्या होता है, टू प्रोटेक्ट रिस्क, योरसेल्फ फ्रॉम रिस्क, वो मैं आगे बताऊंगा। एक एग्जांपल देखना, डेरिवेटिव ऑन आईसीआईसीआई बैंक शेयर विल डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द शेयर प्राइस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो मान लो आपने आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर खरीदा है, तो उस फ्यूचर की वैल्यू शेयर की वैल्यू के साथ साथ मूव करते रहेगी। अगर आपने मान लो गोल्ड फ्यूचर खरीदा है, तो जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू चेंज होते रहेगी, फ्यूचर की वैल्यू भी चेंज होते रहेगी। सिमिलरली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन कमोडिटी लाइक कॉटन विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ कॉटन। तो कमोडिटी मार्केट में कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उनकी ट्रेडिंग होती है और वो काफी पॉपुलर है।
क्योंकि उसमें फायदा बहुत होता है, ऑफ कोर्स नुकसान भी हो सकता है. डेरिवेटिव्स आर मोस्ट मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन हेजिंग रिस्क. डेरिवेटिव्स आर मोस्ट मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन हेजिंग द रिस्क. अभी भी ग्लोबली डेरिवेटिव बहुत पॉपुलर है. एक स्टैटिस्टिक्स में बताऊंगा तो आप सुन के दंग रह जाएंगे, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि डेली वॉल्यूम इन डेरिवेटिव मार्केट, अगर मैं जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसके पूरा मैं वैल्यूएशन निकालूं, इज मोर देन एनुअल जीडीपी, पूरे साल की जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड. वाह, पहले तो कुछ सेकंड समझ में नहीं आएगा कि है क्या. एक दिन में जो ट्रेडिंग होती है डेरिवेटिव मार्केट में, वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का जीडीपी से ज्यादा है, पूरे साल भर का. यानी पूरे साल भर में दुनिया में जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू अगर मैं लूं, और एक दिन में जो दुनिया में जितनी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग होती है एक दिन में उसकी वैल्यू लूं, तो डेरिवेटिव जीतेगा. इतनी ट्रेडिंग होती है ग्लोबली. इंडिया में फिर भी कम है अभी, लेकिन बहुत सारी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ बहुत ट्रेडिंग होती है. वहाँ पे इतने सारे जो लोग जॉब करते हैं बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उनका काम ही रोज ये सट्टेबाजी करना है. ठीक है, पोजीशन लेना है, प्रॉफिट कमाना है. डेरिवेटिव आर मोस्ट मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन हेजिंग द रिस्क. ओरिजिनली डेरिवेटिव का जो इनोवेशन हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव था हेजिंग द रिस्क. यूरोप में कुछ फार्मर्स थे और यूरोप में कुछ बेकरीज थे जो फार्मर से वीट परचेज खरीदते थे. ठीक है, फार्मर को लग रहा था कि पता नहीं मैं वीट प्रोड्यूस करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा और कल को प्राइस घट गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा. बेकरीज को उल्टा लग रहा था, कल को वीट की प्राइस बढ़ गई तो मेरे ब्रेड की या जो भी वीट बेस्ड प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो मार्केट में कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा. तो ये फार्मर को डर लग रहा था कि वीट की प्राइस घट जाएगी, नुकसान होगा, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एग्रीकल्चर में, अपना टाइम लगाना पड़ता है और यूरोप में मशीन्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, सीड की कॉस्ट काफ़ी महंगी होती है. बेकरीज को लगता है कहीं प्राइस बढ़ गया तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. तो फिर इन दोनों ने मिलकर एक उपाय सोचा. फार्मर गया बेकरी के पास, बोला 4 महीने बाद मैं तुम्हें वीट बेचूंगा. ओके, हिंदी में इंडियन करेंसी में बात करते इजी रहेगा, 10 रुपए पर केजी. बेकरी ने भी सोचा अच्छा है, 10 रुपए पर केजी, ठीक है, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बैठता है. तो ये भी खुश, ये भी खुश. इसको पता आप चाहे प्राइस कितना भी घट जाए कम से कम 10 रुपया तो मिलेगा. बेकरी वाले को भी लगता है चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए मुझे 10 देना होगा. तो पहले से इन्होंने क्या किया, प्राइस को डिसाइड कर लिया. यही डेरिवेटिव है. इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइस उन्होंने आज डिसाइड किया है और एग्जीक्यूशन बाद में होगा, 4 महीने बाद होगा इस एग्जाम्पल में. ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस इज डिसाइडेड टुडे, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी आफ्टर सम टाइम. तो दोनों को अच्छा है, 10 रुपए, एक बार प्राइस फिक्स हो गया तो मन को शांति मिली. फार्मर को लगता 10 रुपया भी मिल गया तो मेरा कॉस्ट और मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन निकल गया. बेकरी को लगता अगर 10 रुपए में वीट मिलता है तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैठ गया, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं. तो इसमें क्यों दोनों पार्टी हेजिंग के लिए यूज कर रहे थे, दोनों पार्टी हेजिंग के लिए यूज कर रहे थे. ठीक है, तो डेरिवेटिव का जो ओरिजिनल पर्पस था टू फाइंड आउट टू हेल्प इन हेजिंग, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब हेजिंग कम करते हैं और स्पेकुलेशन ज्यादा, हेजिंग कम और स्पेकुलेशन ज्यादा. इज इट राइट? डेरिवेटिव्स आर मोस्ट मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन हेजिंग द रिस्क.
The individuals and firms who wish to avoid or reduce risk can deal with the others who are willing to accept the risk for a price. तो सामने वाला पार्टी भी हेज कर रहा हो जरूरी नहीं है, सामने वाला पार्टी भी हेज कर रहा हो जरूरी नहीं है. फार्मर हेज कर सकता, सामने वाला स्पेकुलेट भी कर सकता है. इज इट राइट? एक और फार्मर था, इसको भी डर लग रहा था कि वीट का प्राइस घट सकता है. तो बेकरी के पास गया, बोला कि मुझे वीट बेचना है. बेकरी ने बोला मैंने ऑलरेडी मुझे जितना चाहिए मैंने खरीद लिया, अब मैं नहीं खरीदूंगा. लेकिन एक वहां पे मिस्टर सुशील खड़ा था. सुशील ने कहा तुम मुझे बेच दो. तो फार्मर ने पूछा तुम थोड़ी बेकरी हो? बोला तुम्हें क्या लेना देना है, तुम मुझे 10 में बेचो ना, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं उससे तुमको क्या लेना देना है. तुम खुश रहो, तुम्हारा रिस्क ट्रांसफर हो गया, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं. तो सुशील को लग रहा है कि 4 महीने बाद प्राइस बढ़ेगी तो मैं फार्मर से 10 रुपए में लेकर मार्केट में बेच दूंगा. मेरे को वीट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को प्रॉफिट में इंटरेस्ट है और मुझे लगता है प्रॉफिट हो सकता है. तो ये सुशील यहां पे कौन है? स्पेकुलेटर. इज इट राइट? यानी ये सिर्फ सट्टा कर रहा है कि वीट की प्राइस बढ़ेगी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा. इसको कोई बेकरी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको वीट प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है. तो अभी किनकी संख्या ज्यादा हो गई है डेरिवेटिव मार्केट में, सुशील जैसे या बेकरी जैसे? हाँ, कुछ दिन पहले मैंने सोचा क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा स्टेटिस्टिक्स निकालता हूं. इंडिया में लगभग 95-97% जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डेरिवेटिव के, कितना? 95-97. मैंने गूगल में पढ़ा, अगर उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं. स्पेकुलेशन के लिए होते हैं. सिर्फ 3-5% कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली हेजिंग के लिए होते हैं. इतना सट्टेबाजी होती है इंडिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में होती है. ठीक है, इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही होती है क्योंकि इंडिया में तो महाराज युधिष्ठिर को भी डेरिवेटिव की आदत थी, वहां से चल रहा है ये पूरा नियम. याद है ना युधिष्ठिर की कहानी? पहले तो भाई को लगाया दांव पे, भाई से काम नहीं चला तो बीवी को भी दांव पे लगा दिया, अपने आप को भी लगा दिया. तो कई बार डेरिवेटिव में आदमी बहुत अंदर चला जाता है तो बहुत नुकसान हो सकता है, ये चीज जान लो, उसके बाद हम आगे बढ़े बढ़े आगे. हाँ, तो स्पेकुलेशन करेंगे तो भाई दोनों बातें हो सकती हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है. हेजिंग करेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि चलो एक जो प्राइस हमें एक्सपेक्टेड था उतना हमें मिल गया. ठीक है, तो अब आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है? इतने टाइप के डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं जो अगले कुछ चैप्टर्स हैं हमारी सिलेबस के. तो हमारे सिलेबस में पहले हम पढ़ेंगे स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर. यहां पर हमारा अंडरलाइन क्या होगा? इक्विटी. अंडरलाइन होगा इक्विटी या इक्विटी इंडेक्स. इज इट राइट? या तो शेयर होगा या फिर कोई इंडेक्स होगा जैसे निफ्टी या सेंसेक्स. तो हमारे करंट चैप्टर में हम फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अगले चैप्टर में ऑप्शन डिस्कस करेंगे. तो अभी हमारा फोकस रहेगा इस चैप्टर में स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर, सिर्फ कमोडिटी फ्यूचर भी नहीं, सिर्फ अंडरलाइंग विल बी आइदर अ स्टॉक फ्यूचर और एन इंडेक्स फ्यूचर. ये हमारा चैप्टर नंबर 6 में रहेगा. और उसके बाद वाले चैप्टर में हम ये लेंगे स्टॉक ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन. और आगे फिर एक और चैप्टर आएगा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, जहां हम ये सारे लेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर. इंटरेस्ट रेट भी अंडरलाइंग हो सकता है, इंटरेस्ट रेट भी अंडरलाइंग हो सकता है. आप इंटरेस्ट रेट पे भी हेजिंग कर सकते हो, स्पेकुलेट कर सकते हो. करेक्ट? आपको लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है तो उस पर भी डेरिवेटिव ले सकते हो, इंटरेस्ट रेट घट सकता है तो डेरिवेटिव ले सकते हो. तो यहां पर आपको कौन कौन से डेरिवेटिव पढ़ने होंगे? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन,
करेंसी स्वैप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. अभी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, अपने आप में सारे एक टॉपिक है, सबके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे. और फिर एक उसके बाद आएगा एक बड़ा सा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जहां पर मैं क्या करूंगा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारे डेरिवेटिव कवर करेंगे. अब एक चीज समझना, जो आप यहां सीखोगे वही यहां पे भी सीखना है, वही यहां पर भी सीखना और वही यहां पे भी सीखना है. फिर डिफरेंस क्या है, अंडरलाइंग बदलता रहेगा, लॉजिक नहीं बदलेगी. अगर मैं डॉलर पे फ्यूचर लेता हूं या गोल्ड पे फ्यूचर लेता हूं या रिलायंस के शेयर पे फ्यूचर लेता हूं, भाव बढ़ेगा तो तीनों केस में मुझे प्रॉफिट होगा, भाव घटेगा तो तीनों केस में मुझे लॉस. तो लॉजिक वही रहेगी, अंडरलाइंग चेंज होगा. फॉरेन एक्सचेंज में बस आपको एक और थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, दो दो करेंसी के साथ खेलना पड़ता है, डॉलर रुपीस यूरो रुपीस, तो थोड़ा स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है. कोई बात नहीं, जब हम वहां जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन, करेंसी स्वैप. तो स्वैप भी मैं यहां पर ले लूंगा. और एक और चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी फ्यूचर, कमोडिटी जिसमें अंडरलाइन क्या होगा कमोडिटीज. तो ये भी आप सीख लो क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलर है कमोडिटी मार्केट. इसमें अंडरलाइन क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल गोल्ड फ्यूचर, ऑयल फ्यूचर, मेटल फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर. जब आप कोई फाइनेंशियल न्यूज चैनल स्टार्ट करते होंगे तो देखना साइड में चालू रहता है गोल्ड का भाव, कमोडिटी का भाव, ये वो, इज इट राइट. फिलहाल आपको समझ में नहीं आता था क्या लिखा हुआ है, अब आपको धीरे धीरे देखना ध्यान से समझ में आएगा कि वो क्या लिखना चाह रहा है, वो उसका क्या मतलब है. ठीक है, वो लिखेगा कि मार्च का गोल्ड इस भाव का है, मतलब ये मार्च का फ्यूचर का भाव दे रहा है आपको, राइट. परसेंटेज ऊपर नीचे लिखा रहता है, मतलब इतने परसेंट से बड़ा घटा, रेड मतलब घटा, ग्रीन मतलब बड़ा. ठीक है, तो धीरे धीरे आपको वो टीवी पे जो नीचे स्क्रीन रोल होता रहता है, साइड में चलता है, ऊपर में चलता है, कोई जगह नहीं छोड़ते जहां पे नहीं रहता है. ठीक है, कोने में एक छोटा सा जो एंकर है वो दिखता रहता है, बाकी एक साथ चार चार चीज रोटेट होते, कभी कभी आंखों को भी तकलीफ होती है, लेकिन वही है. वाई आर डेरिवेटिव सो पॉपुलर, फास्ट ग्रोथ, करेक्ट, दैट इज इन सिंपल टर्म्स ग्रीड. ग्रीड, ग्रीड इज अ बेसिक ह्यूमन इमोशन, ओके, एंड पीपल वॉन्ट टू अर्न मोर इन लेस टाइम, बिकम रिचर इन लेस एफर्ट. तो एक तो आप कसिनो में जाके जुआ खेलो, ठीक है, वो भी करते हैं ना, कसिनो कभी गए हो, बड़े बड़े कसिनो देखना कितनी भीड़ लगे रहती है वहां पे. एक बार मैं मकाऊ के कसिनो में गया था, सिर्फ देखने, हाँ करने कुछ नहीं, बस $200 लगाया था, ज्यादा नहीं, टेस्ट करने के लिए कि मशीन काम कैसे करती है. और 200 हांगकांग डॉलर मकाओ में सिर्फ उसकी वैल्यू है 1900 रुपए के करीब, 9 रुपए का रेट था, तो ज्यादा नहीं. मैंने सोचा अगर हार भी गया तो चलो ठीक है, 2500 रुपए इतनी दूर आए तो, फिर भी मैं जीत कर निकला. वो एक रूलेट व्हील होता है वहां पे, ठीक है, उसमें वो एक बॉल छोटा सा डालेंगे, उसको घुमाएंगे, थोड़ी देर घूमता रहेगा, फिर वो एक नंबर पे आके रुकेगा. अगर आपने उस नंबर पे बैटिंग की और वो आ गया एग्जैक्टली वही आ गया तो बहुत सारा इनाम मिलता है फिर, इज इट राइट. तो फिर वो थोड़ा एक प्रेडिक्शन करना पड़ता है. मैं थोड़ा ठहरा मैथ्स का स्टूडेंट, तो मैंने बहुत सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की मनी मन और लगाया कि इस पे आएगा, तो बहुत बार आ भी गया. ठीक है, बहुत बार, बस 200 का मैंने टारगेट रखा था हारने का मैक्सिमम, लेकिन जीत कर ही वापस बाहर निकला 250. समझने के लिए, मेरा एक फ्रेंड गया था, वो उधर वो टेबल पे ना कार्ड खिलवाते हैं, $2,000-3,000 लेकर गया था, वो सारे हार गया. ग्रीड है लोगों की. और दूसरा है ईज ऑफ ट्रांजेक्शन. डेरिवेटिव ने आपका काम बहुत इजी कर दिया है, अब आपको मकाऊ जाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, आप मोबाइल पे आराम से कुछ ऐसे बटन प्रेस करना, ट्रांजेक्शन हो जाएगा और जीत गए तो बहुत पैसा मिलेगा। ईज ऑफ ट्रांजेक्शन, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके साथ साथ एक और काम है, विथ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। विथ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले बताया गोल्ड का एग्जांपल। गोल्ड पे भी डेरिवेटिव काफी पॉपुलर है क्योंकि इंडिया इज अ गोल्ड ऑब्सेस्ड कंट्री। इंडिया इज अ गोल्ड ऑब्सेस्ड कंट्री, पता नहीं क्यों, बट गोल्ड में लोगों को यहां पे बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है। भगवान भी तो गोल्ड पहनते हैं ना, इसलिए गोल्ड की वैल्यू मुझे लगता है बढ़ने वाली है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है इस न्यूज से पैसा कमाने का। एक तो 1 kg गोल्ड खरीद लो, ठीक है, इसको बोलते हैं कैश मार्केट, जहां पर आप कैश दोगे गोल्ड खरीदोगे। 1 kg गोल्ड की वैल्यू कितनी होगी? मुझे लगता है 40 लाख के आसपास अभी रेट चल रहा है, ठीक है, थोड़ा कम बेसी ज्यादा होता रहता है। तो 40 लाख एक राउंड फिगर ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर बढ़ गई 3 महीने बाद 10%, तो मेरा प्रॉफिट होगा 4 लाख। सिंपल गणित है। लेकिन आप ये प्रॉफिट कमाने के लिए आपको लगाने होंगे 40 लाख रुपए पहले, उसके अलावा 3 महीने गोल्ड को स्टोर करना पड़ेगा। घर पे तो रखेंगे नहीं, या रखेंगे? बैंक के लॉकर में रखेंगे, बैंक वाला भी आपसे 2-3 हजार रुपए तो रेंटल ले लेगा। उसके अलावा 1 महीने का 3 महीने का मेरा इंटरेस्ट भी तो गया। 40 लाख रुपए अगर मैंने गोल्ड की बार में लगा दिया तो 40 लाख रुपए पे इंटरेस्ट भी गया हमारा, तो इंटरेस्ट लग रहा है, स्टोरेज लग रहा है। उससे अच्छा है क्या करो, गोल्ड फ्यूचर ले लो, गोल्ड फ्यूचर ऑन 1 kg। तो जब आप इंडिया में फ्यूचर बाय करते हो तो आपको एक मार्जिन भरना पड़ता है, मार्जिन मनी। मार्जिन मनी एक्सचेंज की सेफ्टी के लिए, ताकि कल को आप भाग गए तो आपका मार्जिन मनी वो फॉरफिट कर देंगे। कल को गोल्ड की प्राइस घट गई 2 लाख रुपए से तो आप तो गायब हो जाओगे, लॉस देने के लिए थोड़ी कोई खड़ा रहता है। लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, आपसे मार्जिन पहले ही लेके रखती है। जब तक मार्जिन दोगे नहीं तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा नहीं। तो मार्जिन मनी कितना लेंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए 4 लाख रुपए। वो मार्जिन मनी वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू रिस्क, 4-5-6 लाख हो सकता है, ठीक है। उनका एक सॉफ्टवेयर जिससे वो मार्जिन कैलकुलेट होता है, आपको बताएगा कि 1 kg गोल्ड प्याज इतना मार्जिन आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो 10-15% के रेंज में होगा जनरली। और मान लो गोल्ड की प्राइस बढ़ गई 10% से, तो यहां पर भी आपका प्रॉफिट 4 लाख ही होगा, क्योंकि यहां पे 10% गोल्ड की वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। ये तो मार्जिन मनी है सिर्फ। बेट तो आपने 1 kg गोल्ड पे किया है, बेट तो आपने 1 kg गोल्ड पे किया ना, 1 kg गोल्ड की वैल्यू 40 लाख थी, 10% से बढ़ गया तो 4 लाख का फायदा हुआ। अब देखो 1 kg गोल्ड खरीदेंगे, 40 लाख रुपए लगेगा, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। थोड़ी देर के लिए इंटरेस्ट और स्टोरेज कॉस्ट को भी भूल जाओ। इधर 1 kg फ्यूचर लेंगे, फ्यूचर इज अ राइट, इसमें आपको कोई स्टोरेज की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ी कहीं पे स्टोर करना, इट इज जस्ट अ राइट, इट्स एन इनटेंजिबल राइट। और मान लो गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई 10% से, तो 1 kg पे आपको 4 लाख का फायदा होगा। तो क्या बेटर है? एक बार फ्यूचर का खेल समझ में आ गया तो फिर लोग फ्यूचर में ज्यादा हेजिंग, यहां पे वही काम क्या करते हैं, आप 10 kg गोल्ड पे आप पोजीशन ले सकते हैं उतने पैसे में। इसको बोलते हैं लिवरेजिंग, मतलब 1 kg गोल्ड लेंगे 40 लाख लगेगा, 10 kg फ्यूचर लेंगे तो 40 लाख लगेगा, लेकिन प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया आपका, अगर मान लो प्राइस बढ़ता है तो। इसलिए ये डेरिवेटिव पॉपुलर है, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन, लिटिल इन्वेस्टमेंट। अब ये मोबाइल पे भी आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कुछ सेकेंड्स में, ठीक है, कुछ सेकेंड्स में ये आप डेरिवेटिव बाई सेल कर सकते हैं आराम से।
आजकल वो मोबाइल कैप भी इतने ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना दिए ताकि आप और इंटरेस्ट आता है कि हाँ एक ट्रांजेक्शन किया तो पूछेंगे डू यू वॉन्ट अनदर ट्रांजेक्शन, और सीधा बिल्कुल लिंक ऐसा जगह पे जाके लगाते कि सिर्फ क्लिक करने की देरी है, आगे सारा प्रोसेस रेडी है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, इससे दूर ही रहना है, अनलेस कि बहुत पैसा हो जेब में, और थोड़ा बहुत अगर नुकसान हो गया तो कोई गम नहीं है, ठीक है। सीखने के लिए अच्छी चीज है, एक 10-15 हजार रुपए का रिस्क ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पूरा चैप्टर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। एक आध ट्रेडिंग करके देखो कल परसों, ठीक है। लेकिन ज्यादा रिस्क मत लेना क्योंकि नुकसान हो जाएगा। अभी मुझे भी कुछ दिन पहले मैं सोचा चलो मैं भी स्टूडेंट को सिखाता हूँ, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, एक नुकसान ही हुआ। फिर एक मैंने सोचा एक बार नुकसान हुआ अगली बार फायदा होगा, एक और ट्राई मारता हूँ, फिर नुकसान हुआ। अब मैंने बोला नहीं रहने दो, क्लास में सिखा दूंगा ऐसे ही अपनी नॉलेज से, इनको सिखाने के चक्कर में मेरा नुकसान हो गया 10-10 हजार दो बार। तो इसमें एक्चुअली बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं डेरिवेटिव सिर्फ सट्टेबाजी है या गैम्बलिंग है, ऐसा नहीं, इसके पीछे बहुत साइंस है, बहुत ही लॉजिक लगता है, बहुत ही कैलकुलेशन लगता है, बहुत ही टाइम देकर आपको समझ में आएगा कि हाँ अब ये इधर मूव होने वाला है। ऐसे तो कोई सोचेगा बढ़ेगा घटेगा तो वो तो सिर्फ एक प्योर गैसवर्क है, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग खिलाड़ी होते हैं, असली खिलाड़ी, वो जानते हैं कि कब इसको बाई और सेल करना चाहिए, और उसके लिए बहुत कैलकुलेशन लगता है। अगले एक महीने तक हम यही करने वाले हैं, यानी सभी टाइप के डेरिवेटिव में, कि कैसे वो कैलकुलेट होकर हम उस रेट तक पहुंचते हैं जहां पर आपको पोजीशन लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे सिलेबस में इसको रखा गया, बट फिर भी हमारा सिलेबस काफी बेसिक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए एक दो लाइन और पढ़ते हैं, देखना मजा आएगा। इफ यू आर बुलिश ऑन निफ्टी व्हाट वुड यू डू, इफ यू आर बुलिश ऑन निफ्टी व्हाट वुड यू डू। बुलिश मतलब हमें लग रहा है प्राइस बढ़ने वाला है, जिस चीज का भी प्राइस बढ़ने वाला है उसको बाय करना है, तो प्राइस बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा। अब निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, निफ्टी की कैलकुलेशन में 50 इंडिया के टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, या तो आप उनके शेयर खरीद लो, क्योंकि इंडिया में आप इंडेक्स नहीं खरीद सकते, इंडेक्स नहीं बिकता, शेयर्स बिकते हैं, ठीक है। तो या तो आप 50 स्टॉक खरीद लो, या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीद लो। कौन सा म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड चैप्टर में हमने देखा इंडेक्स म्यूचुअल फंड मतलब दे विल इन्वेस्ट ओनली इन द स्टॉक ऑफ एन इंडेक्स। तो मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि या तो मैं 50 स्टॉक खरीदता हूं या म्यूचुअल फंड खरीदता हूं, तो उसके लिए मुझे लगेंगे 4467। कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 4467। लेकिन एक दूसरा उपाय भी है, हमें लग रहा है इंडेक्स बढ़ेगा तो हम डायरेक्टली इंडेक्स फ्यूचर ही खरीद लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर मिलता है इंडिया में, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन मिलता है, मतलब इंडेक्स पे बेटिंग कर रहे हैं कि इंडेक्स बढ़ेगा इंडेक्स घटेगा। तो इंडेक्स फ्यूचर ले लिया, फ्यूचर पे आपको मार्जिन मनी देनी पड़ती है, उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है और कब देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है, इसके लिए भी एक अलग सेक्शन आएगा हमारे चैप्टर में लास्ट में। अभी फिलहाल इसकी कैलकुलेशन मत पूछना, लेकिन बाद में आएगा ये। तो मान लो अभी मार्जिन चल रहा है 14%, तो आपको 14% ऑफ 4467 625 भरना पड़ेगा, और कल कोई निफ्टी बढ़ गया 10% से, निफ्टी अगर बढ़ गया 10% से और आपने अगर स्टॉक परचेस किया होता या म्यूचुअल फंड परचेस किया होता, तो आपको प्रॉफिट होता 10% ऑफ 4467, राउंड ऑफ कर देंगे 447। लेकिन अगर आपने निफ्टी इंडेक्स भी लिया होता और निफ्टी 10% से बढ़ता, तो भी आपको प्रॉफिट होता 10% ऑफ 4467। इंडेक्स लेते, स्टॉक लेते या म्यूचुअल फंड लेते, तीनों में हमारा प्रॉफिट होगा सेम, तो डिफरेंस फिर क्या हुआ? यहां पर आपको 4467 रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यहां पर आप 625 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको यहां पे कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा
रिटर्न मिल रहा है ना, तो नीचे एक टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, उसको कंप्लीट करना है पेंसिल से। दो कॉलम बने हुए कंपैरिजन में, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 4467, निफ्टी फ्यूचर में लिखो पेंसिल से 625, लास्ट में ये लिखा हुआ सॉरी टाइप्ड है। रिटर्न यहां पे कितना मिला 447 रुपीज में, यहां भी मिला 447, लेकिन डिफरेंस है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 10% और यहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 447 डिवाइड बाय 625 इंटू 100, राउंड ऑफ करके बात करते हैं 72%। क्या अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, इज इट राइट? इतने पैसे में आप अगर इतना पैसा यहां लगाते हैं तो या तो रिटर्न आपका बहुत सारा बढ़ जाता, इसलिए भी इंडेक्स फ्यूचर बहुत पॉपुलर है, राइट? तो अभी हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे।